अल्लाह से इतना तो मेरे बाप ने भी तारुफ नहीं करवाया जितने इतना आप रियल इस्टेट बने एजेंट बने कसम से अपन नहीं के बेचेंगे बहुत सारे हम लोग जो है वो चीज़ें बहुत सही। तो बात करते हैं रियल इस्टेट एजेंट पे और लाइफ जो चल रही है बड़ी रियल इस्टेट पे जिंदगी हम सब की हम सब रियल इस्टेटों को जानते हैं वो सबसे ज़्यादा मेमनों को देखते हैं उनका एक उन्हें करवा बेचा कहीं उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन रियल इस्टेट बिल्डर के सारे इनकी ज़िंदगी चली कहाँ से ठीक इनके स्टार्टअप कहाँ कहाँ से हुए ठीक दुनिया के अंदर किसी की पहचान नहीं हो ना तो उसकी गाड़ियों से बट हमारे यहाँ अजीब अजीब तरीके से बिल्डर को देखो बिल्डर फरारी उसके बाद आता है बिल्डर के बाद आता है डीलर जैसे आप लोग के मार्केटिंग करने वाले आप लोग के फेस थोड़े अच्छे होते हैं टेढ़े मतलब टेढ़े में नहीं होते अच्छे होते तो उनके बड़े अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं हम तो बेच के तुझे तो बेच के लेकिन फिर आता है जो हमारा सबसे मेन वो आता है रियल इस्टेट में अस्तफुरू मेहराज जैसे मुंह 70 का इंजन लगाओ हम सब की जिंदगी इन गाड़ियों की तरह हकीकत बस चल रही लेकिन रियल इस्टेट एजेंट जो होता है उससे बड़ा दुनिया के अंदर सच्चा कोई नहीं होता ये अल्लाह मुझे माफ ये अल्लाह देख गाड़ी पूरी रखी लेकिन माफ कर इससे सच्चा दुनिया में अगर तुम्हें कोई मिल जाए ना अल्लाह की कसम मैं जो है ना 100 नफिल तो पढ़ लूंगा पढ़ नहीं पढ़ता बट नफिल पढ़ लूंगा। अच्छा करते क्या ये इनके इनका रियल इस्टेट नहीं होता इनकी रियल इस्टेट की दुकान वुकान नहीं होती देखो इंजीनियर बोलता है सौंपे रहो बोलेंगे भाई ओहो कोई स्टेशनरी बैठने वाले भी दुकान खोलेगा रियल इस्टेट का मतलब दुकान उसका होता है ऑर्फनेज ओहो यतीम खाना हर कोई आगे बैठ रहा आप सतार में चाहे तो गर्मी में पूरा ठंडा हो जाता था अबे उसकी दीवारों में सी अच्छा दीवारों में सीपेज थी वो गर्मी में ठंडा हो रहा था पानी पानी वो गर्मी बंद दूसरा और उससे बड़ी थी मैंने सर्दी में घर बेचा बिल्कुल गर्म तूने गर्म करके सब इतना गर्म बोला कैसे वो बहुत गर्म बोला कैसे बोला अंदर बच्चे अंदर में प्ले ग्राउंड बनाया था खेलने एक बच्चा बॉलिंग करा रहा था वो गर्म घर की वजह से और गर्म हो चुका उसने बॉल चलाई उसका हाथ निकल गया फिर तूने क्या करा तो कुछ नहीं हाथ उठाया वापस लगा दे उसका जिस्म भी तो गर्म था ऐसा कुछ फिर जो ठंडा वाला था उसको थोड़ी और गर्मी चढ़ गई उसने बोला ऐसा तो है वो कुछ यही नहीं था तेरे से ज्यादा गर्म घर मैंने भी बेचा है बोला वो अच्छा घर बेचा है मैंने कहा एक दफा मैं घर में काम कर रहा मैं बोला पार्टी से थोड़ा मिल गया पार्टी पार्टी के बाद भाई मैं बकरी लेके चला गया मैं बकरी बकरी मिलाऊ उसका कौन सा आप लोग जो बड़ी रात है उसके अंदर जो बकरी बकरी अंदर लेके चला वो मालिक के पीछे जाके खड़ी हो गई वो गर्मी इतनी थी ये दोनों चिपक गए दूध हो गए फिर बोला बकरी दूध देती है ओ सॉरी ना बंदा दूध देता है और बकरी जो है ना वो चारा खाती है। खैर इस तरीके की होती है रियल एस्टेट के। अच्छा इन लोगों में एक और कॉम्प्लेक्शन भी होता है वो कॉम्प्लेक्शन होता है कागजात का कागजात इनके पास हर चीज के पूरे चाहे कभी जिंदगी में इन्होंने काम करा हो ना करा हो इनके पास कागजात हमेशा हमेशा पूरे कागजात बात ही नहीं कर सकते कागजात। अच्छा कागजात इनके कैसे हो भाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी होती है कि जन्नत में भी ये जाएंगे ना उधर जम्मे गफील लगाओ यार अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम मैंने इधर प्लाट लिया था तो फरिश्ते मेरे को जाते थे कागजात पूरे तो चेक चेक कर ले इतना कॉम्प्लेक्स है इनके पास। अच्छा इनके चक्कर में जो है ना इनकी जो बीवियां होती है जो बीवियां जो बीवी होती है ऐसा मुंह क्यों बन गया आपकी सब शादी हुई तुम लोग की तो नहीं होगी यार ऐसे ऐसे शादीशुदा लोग होते। अच्छा उनकी जो बीवी ये भी इनके साथ रह रहे जो है ना रियल एस्टेट एजेंट में। अच्छा लड़की देखने जाती है आपकी बच्ची के कागजात तो पूरे है ना भाई तू उससे खाना मेरा बहुत अच्छा खाती है लीज भी है। अच्छा कहाँ रहती है
यहाँ रहती हूँ। अच्छा कितने स्क्वायर फीट पे रह लेती? अबे तो तू लड़की लेने गई है कि तू क्या बोलते है, कटिंग करने गई है चाइना कटिंग करने? ठीक है, तो इन सब की जो लाइफ होती है वो हम सब उसी लाइफ के हैं, और रियल इस्टेट से तो इस तरीके से होता रहता है, बट रियल इस्टेट के बारे में इतना सब कुछ बता दिया तो इन सब की जिंदगी। बट हम सब भी रियल इस्टेट के, और मेरे अबू भी प्राउडली मैं रियल इस्टेट की औलाद हूँ। ठीक है, और ये आखिरी नहीं है बट ये आखिरी जुमला क्या है फिर मैं रुक से चलता। हम जब पैदा होने वाले होते हैं तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, रियल इस्टेट का बंदा करता क्या? मतलब शादी की रात को उसको समझाया जाता है कि बेटा आप जो है ना अंदर जाओगे उससे प्यार से बात करो, हमारे वालों को कुछ और समझ या रियल इस्टेट या रियल इस्टेट या रियल इस्टेट, वो उसको अंदर भेज देते हैं बस। जितने भी पैदा होते हैं फिर हम रियल इस्टेट वाले। तो थैंक यू सो मच।